जोशीमठ में इन दिनों लोगों को सीमा दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है और सीमा दर्शन के बाद लौटी ऐसे ही कुछ ग्रामीण महिलाएं खुशी से झूम उठी। ये रिपोर्ट देखिए। नीति घाटी के इन ग्रामीणों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इन लोगों को आईटीबीपी ने चीन सीमा दर्शन कराए हैं, इसीलिए ग्रामीण महिलाएं झूम रही हैं। दरअसल विशेष अनुमति के बाद ही ग्रामीणों को सीमा दर्शन के लिए ले जाया जाता है। जिन लोगों को ये मौका मिलता है वो खुशी में इस तरह से पारंपरिक डांस करते हैं। सीमा पर पहुंचने के बाद महिलाओं ने पारंपरिक लोक गीत गाकर पारंपरिक नृत्य किया। ग्रामीण महिलाओं ने इसके लिए आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों का आभार जताया। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। अगली खबर हरिद्वार से, जहां विश्व हिंदू परिषद के नेता साध्वी प्राची को धमकी भरा पत्र मिला है। लेटर में साध्वी प्राची को जान से मारने की धमकी दी गई है। साध्वी प्राची ने प्रशासन से मांग की है पत्र की जांच कराई जाए, जिस किसी का भी इसमें हाथ है उसे सख्ती से निपटा जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए बीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।